बावलोग आज बात करेंगे सौरोन का तहलका इन थर्ड एज। और आज इस पार्ट में सौरोन की बायोग्राफी को कंप्लीट कर देंगे, जहां पिछले दो पार्ट में हमने फर्स्ट एज और सेकंड एज के बारे में बात करी थी। सौरोन की बायोग्राफी, फर्स्ट एज में कैसे मॉर्गोथ का बेस्ट लेफ्टिनेंट देन कमांडर बन के उभरा था ये बंदा, उसके बाद सेकंड एज में रिंग्स का फॉर्मेशन, देन उसके बाद मिडिल अर्थ में कॉन्कर मॉर्डोर की नींव रखी, उसके बाद कैसे इसका एंड दोनों ही एज में हुआ था। आज बात करेंगे थर्ड एज में अगेन कैसे इसका ओरिजिन होगा और फाइनल दी एंड कैसे होगा। शुरुआत करते हैं बिना किसी बकलोली के, लेकिन बाबा एक लाइक से हाजिरी भरनी बहुत जरूरी, क्योंकि इस एक लाइक से आगे काम करने के लिए ढेर सारा इंस्पिरेशन भी मिलता है हमें। तो बाबा लोग, सेकंड एज में सौरोन के हारने के बाद वो लंबे समय तक लुप्त हो चुका था। माना जाता है कि वो फार ईस्ट में ही कहीं मिडिल अर्थ में दुबक के छुप गया था अपनी पावर दोबारा से रीगेन करने के लिए। और जो ईस्टरलिंग्स मैन थे वो आजाद हो चुके थे उसकी गिरफ्त से, यानी सौरोन की गिरफ्त से, लेकिन सौरोन के जादू ने उन्हें बुरी तरीके से मेंटली डैमेज कर दिया था, जिसमें अब यूनिटी बिल्कुल नहीं बची थी। आपस में लड़ने लगे थे, कुछ लोग उनमें से रोवेनियन पर हमला करा और एंडियन की घाटी पर रहने लगे थे। इसी के साथ सौरोन अपनी वन रिंग को खोने की वजह से फिजिकल फॉर्म में दोबारा लंबे समय तक नहीं आ पाया, और इसी बीच वालार ने मिडिल अर्थ को दोबारा सौरोन की तबाही से प्रोटेक्ट करने के लिए 5 मायार भेजे, जिनमें से माना जाता है कि गैंडाल्फ द ग्रे उनमें से एक था, और बाकी थे 4 सारुमान, रेडागास्ट, एलटार, पलांडो, जिनमें सारुमान ज्यादा पावरफुल माना जाता है। लेकिन द रिंग्स ऑफ पावर में सेकंड एज में ही गैंडाल्फ और सारुमान दोनों का ओरिजिन हमें दिया है मेकर्स ने। लेकिन थर्ड एज में कुछ टाइम बाद नोटिस करा गया कि नाजगुल की वापसी हो रही है। नाजगुल वो थे जो 9 मॉर्टल मैन को सौरोन ने 9 रिंग्स बांटी थी, यानी पहनाई थी, और उन्हें करप्ट करके अपने खास कमांडर बनाया था, और ये इसके सबसे ज़्यादा लॉयल सर्वेंट थे। पूरी सेना की कमान यही संभाला करते थे, और ये दोबारा से सौरोन को वापस लाने की तैयारी में जुट गए थे, जहां इन्हें गोंडोर और एरनोर के किंग की पूरी ब्लड लाइन को ख़त्म करना था। और वो इसलिए क्योंकि सेकेंड एज में एलेंडिल के बेटे सिल्ड्यूर ने सौरोन की उंगली काटकर उसकी रिंग को उससे अलग किया था और उसे डिफीट किया था, और सिल्ड्यूर बाद में एरनोर एंड गोंडोर का हाई किंग बनता है, और उसकी ब्लड लाइन भी हाई किंग के पद पर ही रहती है बाद में जाकर। लेकिन इसकी भनक एरनोर और गोंडोर को पहले लग गई, क्योंकि मिस्टी माउंटेन्स पर ऑक्स और नाजगुल की हरकतें दोबारा से महसूस होने लगी थी, और एरनोर एंड गोंडोर दोनों ही अलायंस करके प्रिपेयर होने लग गए थे, अपनी आर्मी तैयार करने लग गए थे इनके खिलाफ। कि इतने में ही नाजगुल आर्मी ने एरनोर पर हमला करके उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, और मॉर्डोर पर नाजगुल ने अपनी बाकी सौरोन आर्मी इकट्ठी करने के लिए जुट होने लगे। इसी के साथ डार्कनेस का कहर पहले जैसे ही फिर से बढ़ने लग गया थर्ड एज में। इसी बीच एक बैलरॉग भी जाग गया, जिसने मौर्या को डिस्ट्रॉय किया। एंड बाबा, मौर्या और कोई नहीं, अपना खाजा दूम ही है, और यहाँ शो में सेकंड एज में ही बैलरॉग को जगा दिया है मेकर ने खाजा दूम में, जबकि बुक में थर्ड एज में जगता है। इसके बाद बाबा डॉल गुल्डूर में भी डार्कनेस की पावर फिर से स्ट्रांग होने लगी। डॉल गुल्डूर सौरोन का स्ट्रांग होल्ड था, जहाँ पहले सेकेंड एज में सिल्वन एल्व्स रहा करते थे, लेकिन सौरोन की वजह से उन्हें ये जगह छोड़नी पड़ गई थी, जो एमॉन लैंस यानी नेकेड हिल भी कहा जाता है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ साउथ वेस्ट। और सौरोन का डार्कनेस फिर से ईस्टरलिंग्स को करप्ट करने लग गया था। देन उसके बाद रिटर्न टू डॉल गुल्डूर इवेंट सिचुएट होता है। नेक्रोमेंसर उर्फ सौरोन की वापसी डॉल गुल्डूर में हो जाती है, इस बार और भी ज्यादा पावरफुल होकर लौटता है ये बंदा। और उसके आते ही 3 साल बाद रिंग भी हरकत में आ गई थी, जो एक स्टूअर यानी गोलुम स्मीगल के पास थी। नेक्रोमेंसर का काम रिंग्स ऑफ पावर को इकट्ठा करने का था, और जो खोया था वो सब वापस पाने का था, जो उसने सेकंड एज में सब कुछ गेन किया देन उसके बाद खोया वो सब कुछ पाना था। इसी के साथ इसिल्ड्यूर की पूरी ब्लड लाइन को भी खत्म करना था, जहां मौर्या की तबाही के बाद किंग थ्रैन 2 से 7 डॉर्मन रिंग में से एक रिंग उसके हाथ लग चुकी थी। किसके? अपने नेक्रोमेंसर उर्फ सौरोन के हाथ। और ये बात गैंडाल्फ को पता लग चुकी थी कि नेक्रोमेंसर कोई और नहीं सौरोन ही है, जिसकी आइडेंटिटी फिलहाल के लिए छुपाई जा रही है। और उसने व्हाइट काउंसिल को इन्फॉर्म किया, जो सौरोन के खिलाफ बाकी अलायंस आर्मी थी यानी एल्व्स एंड 5 मायार, उन्हें प्रिपेयर करने लगा डॉल गुल्डूर के लिए पर अटैक करने के लिए। इस बीच सारुमान को भी द वन रिंग की लोकेशन पता चल गई, और उसने सौरोन को भी नोटिस करवाया, ताकि वो दोबारा से सब कुछ कॉन्कर करे, कौन सौरोन, और बाद में सारुमान उससे ये सब छीन कर रूल करने लगे, यानी मेहनत सौरोन करे और मुफ्त में सारुमान ये रोटियां तोड़े। रिंग का पता लगते ही सौरोन ने अपने आदमी ग्लैडन फील्ड्स को भेजा रिंग ढूंढने के लिए, क्योंकि रिंग वहीं लोकेट करी जा रही थी, पर यह सौरोन को भी नहीं पता था कि रिंग गोलम के पास है। देन तभी गैंडाल्फ एंड व्हाइट काउंसिल मिस्टी माउंटेन्स के ऑक्स और मौर्या के स्मोक ड्रैगन को हराने में सफल होते हैं।
खैर कहा यह भी जाता है कि गैंडाल्फ चाहते थे स्मॉग ड्रैगन उसकी तरफ से लड़े सौरन के खिलाफ, जो हमने हॉबिट मूवी में भी देखा था। देन आफ्टर व्हाइट काउंसिल डॉल गुल्डुर के खिलाफ चढ़ाई करने की प्लानिंग करने लगे और अभी तक सौरन को उसकी रिंग नहीं मिल पाई थी। इसी बीच प्लांटीर स्टोन नाजगुल को मिलता है जो वो सौरन के पास लाती है, लेकिन सौरन यूज नहीं कर पाता है उसका। प्लांटीर स्टोन अगर तुम्हें याद हो तो न्यूमिनोर में आपने देखा होगा प्लांटीर स्टोन, वही वाला, क्योंकि उस पे बर्थराइट सिर्फ डेनेथर 2 का था जो गोंडोर का स्टेवर्ड किंग था, और इस बीच सौरन को नया ताजा एनिमी डेनेथर 2 के रूप में और भी मिल चुका था। लेकिन एक प्लांटीर स्टोन सारूमन के भी हाथ लग गया था, कहा जाता है 7 प्लांटीर स्टोन थे। उसके बाद सौरन को लोग गोलम को ढूंढ लेते हैं और मॉर्डोर को ले आते हैं, क्योंकि सौरन फिर से मॉर्डोर में अपने बारादुर किले में रहने लग गया था आफ्टर डॉल गुल्डुर इवेंट के बाद। गोलम को लेकर टॉर्चर किया जाता है, लेकिन उसने बार बार यही बताया कि जो भी रिंग उससे चोरी हो चुकी है जो बिल्बो बैगिंस के पास है। देन आफ्टर दिस सौरन फिर से एक बड़ी सेना बनाने में सफल रहा और फिर मिडिल अर्थ को तबाह करने के लिए तैयार होने लगा, एंड बिल्बो बैगिंस से रिंग लाने के लिए कुछ लोगों को भी भेजा। इसी के साथ उसने आई टावर का भी निर्माण किया जिससे वो दूर दूर तक नजर रख सकता था, और फ्रोडो बैगिंस को भी वो इसी आई से देखता है, मतलब आई टावर से जो हमने मूवी में लास्ट में देखा था एट द एंड। देन आता है इस सीरीज का लास्ट चैप्टर द रिंग्स ऑफ वॉर। भाव लोग, इस फाइनल वॉर में सौरन की बड़ी अजीबोगरीब हरकतें हो चुकी थी, क्योंकि बहुत हद तक बाजी इसके हाथ से निकलती जा रही थी और सबसे बड़ा दुश्मन इसके सामने गोंडोर था। इस बीच सारूमान भी अब सौरन से मिल चुका था और एक साथ काम करने लगे थे और जबरदस्त ताकतवर तो हो चुके थे ये लोग, लेकिन इनके हाथ बाजी नहीं आ रही थी। गोंडोर का स्टेवर्ड किंग डेनेथर 2 स्ट्रॉन्ग राइवल था सौरन के सामने। एक दिन एरागॉन, जो इसेल्ड्यूर का वंशज था, प्लांटीर में देखते वक्त सौरन से मिला और अपनी आइडेंटिटी भी रिवील करता है सौरन को, और वो करंट हाई किंग है बोथ एरनोर एंड गोंडोर का। सौरन को यह भी पता चला कि इस बीच इसेल्ड्यूर की तलवार एंड्रुइल को भी प्रिपेयर कर दिया गया है फिर से, जिससे इसेल्ड्यूर ने सौरन की उंगली काटी थी और अब वो एरागॉन के पास आ चुकी है। और यहाँ सौरन को थोड़ा डर लगा कि स्ट्रॉन्ग राइवल पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं कभी भी हमला करने के लिए, जिससे उसने तुरंत विच किंग को गोंडोर पर धावा बोलने का आदेश दिया और भी ज़्यादा वेट ना करने की बजाय। और विच किंग कोई और नहीं, अपने 9 मॉर्टल मैन में से जो उसके 9 सर्वेंट थे उसका बेस्ट किंग था, जिसके हाथ में वो सारी कमान थी, क्योंकि इससे सौरन के राइवल लगातार स्ट्रॉन्ग होते ही जा रहे थे उसके वेट करने से, क्योंकि वो रिंग का वेट कर रहा था सौरन और रिंग उसके पास आ नहीं रही थी, एंड जो राइवल आर्मी थी वो लगातार तैयार हो रही थी, प्रिपेयर हो रही थी, क्योंकि पलांटर की मदद से राइवल सौरन की स्ट्रेंथ को भी जस्टिफाई कर ले रहे थे अगेन एंड अगेन। देन बैटल ऑफ पेलेनोर सिचुएट करी जाती है, और यहाँ इस फील्ड में सौरन ने अपने मेन हथियार विच किंग को खो दिया था। एंड देन उसके बाद एक बार फिर एरागॉन की मीटिंग सौरन से होती है प्लांटीर विजिन की ही मदद से, जिससे सौरन को ये आइडिया हो गया कि हो ना हो रिंग इन्हीं के पास है और ये लोग इसे डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में है, किसको, रिंग को। तभी गैंडोल्फ ने एक प्लान बनाया और सारी आर्मी को मॉर्डोर के गेट पर सेट कर दिया ताकि आई टावर की नज़र सिर्फ इन्हीं पर सेट हो पाए और वो दूसरे रास्ते से माउंट डूम जा सके, और वो इसलिए क्योंकि द वन रिंग को माउंट डूम पर ही सौरन ने बनाया था और वहीं ये पावरफुल रिंग डिस्ट्रॉय भी होगी और कहीं भी नहीं। गैंडाल्फ का ये प्लान सफल रहा, उसने अगले 9 दिन तक युद्ध चलवाया और सौरन एंड मॉर्डोर की सारी ताकत सिर्फ और सिर्फ गेट पर ही नजर रखे बैठी थी टकटकी बांध के। इसी बीच गैंडाल्फ फ्रोडो बैगिंस और सैम के साथ माउंट डूम तक सफर तय करता है चुपके चुपके। देन इसी बीच जब सौरन का ध्यान फ्रोडो और गैंडाल्फ की तरफ जाता है तब वो रियलाइज करता है कि उसे चूतिया बना दिया गया है और नाजगुल को तुरंत माउंट डूम की ओर भेजने वाला ही था कि तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि गोलम रिंग के साथ माउंट डूम पे लावा में गिर चुका था और लावा फूट पड़ता है भयंकर तरीके से, हर तरफ धुआं डार्कनेस एंड लावा ही लावा फैल जाता है जो हमने मूवी में भी देखा था एट लास्ट, और सौरन का दी एंड यहाँ पर। फिर कहा जाता है कि आफ्टर दिस इंसिडेंट सौरन कभी नहीं उठ पाया था, क्योंकि रिंग बनाते टाइम उसने अपनी काफ़ी ताकत, लगभग आधे से ज़्यादा ताकत खर्च कर दी थी इन रिंग्स के ऊपर, और मॉर्गोथ की तरह वॉइड में चला गया यानी अंधकार में सदा सदा के लिए, और जहाँ से कभी वो वापस नहीं आ पाएगा। तो बाबा, ये थी सौरन की फुल बायोग्राफी, जिसे 3 पार्ट पर कंप्लीट कर दिया गया है। फर्स्ट एज में क्या तबाही मचाई, सेकंड एज में क्या तबाही मचाई, देन उसके बाद थर्ड एज में भी क्या तबाही मचाई है, और इस वीडियो में पूरी थर्ड एज को ही कंप्लीट करा गया है। तो बाकी अब नेक्स्ट वीडियो किस पे होगी भाई, जरूर बताना नीचे कमेंट बॉक्स पर, सजेस्ट करना। बाकी ये वीडियो कैसी लगी और सौरन की ये बायोग्राफी कैसी लगी जो हम अभी द रिंग्स ऑफ पावर सीजन में देखने वाले हैं। अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद।